हेलो एंड वेलकम बैक टू माय लिटिल गार्डन। आज की ये जो वीडियो है ये पिटूनिया प्लांट पर है और होप करती हूँ कि आपको ये जो आज की वीडियो है अच्छी लगेगी। तो ये देखा आपने, खूबसूरत सा पिटूनिया का प्लांट हर किसी के गार्डन में होता है, चाहे हम कोई और फ्लावर मिस करें लेकिन पिटूनिया ज़रूर लेकर आते हैं। तो इसे एक अच्छे से ग्रो करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो प्लांट है फूल कम देता है और बुशी नहीं हो पाता है या फिर जल्दी मर जाता है। मुझे ऐसे कई सारे कमेंट्स मिलते हैं जिसमें हमारे कई सारे भाई बहन कहते हैं कि प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, मुरझा गया है या फिर फूल कम है। तो आप इस प्लांट में दोस्तों ध्यान से देखें, ये देखें सेंटर में बीचों बीच में मैंने एक बहुत बड़ा कट लगा दिया था जब ये प्लांट बहुत छोटा था। तो हुआ ये कि साइडों से बहुत अच्छे से ग्रो होने लगा। अभी भी मेरे पास ये सभी जो थैलियों वाले प्लांट है इन्हें मैंने पॉट में शिफ्ट नहीं किया है। तो मेरा रोज़ाना काम यही रहता है, कहीं ना कहीं से इन्हें मैं ऐसे पिंच करते ही रहती हूँ। और अभी हमें नवंबर और दिसंबर में जम कर इन सभी पौधों की पिंचिंग हमें करना है, तभी इनमें अच्छी तरह से ग्रोथ आएगी। साथ ही साथ हमें खाद भी देते रहना है। तो हर 15 दिन में आप इन्हें इन छोटे छोटे प्लांट्स में 15 दिन के बीच में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर दीजिए। वैसे महीने में भी एक बार दे सकते हैं। और हाँ दोस्तों, नीम खली का भी जब हम यूज़ करते हैं तो सोचते हैं कि बस मिट्टी में मिक्स कर दिया इसके बाद छुट्टी, ऐसी बात नहीं है। महीने में एक बार नीम खली का भी लिक्विड बनाकर अपने पौधों में देना बहुत ज़रूरी है। इससे होगा ये हमारे जो पौधे हैं उनकी जड़ें बहुत मजबूत होंगी और फूल भी बहुत हेल्दी आएंगे। और धूप तो ज़रूरी है ही हमारे पौधों के लिए। ये मैंने इस तरह से लिक्विड अब तैयार किया है। तो ये जो 5 केजी का कंटेनर है और इसमें मैंने 300 ग्राम फर्टिलाइज़र मिक्स किया है और मैं बस गोबर खाद ही दे रही हूँ। इस पौधे को आपने देखा, इसकी पिंचिंग नहीं हुई है और ये कैसे बिल्कुल बीज से लंबा होता जा रहा है। और इस पौधे की मैंने पिंचिंग की हुई है तो आप फर्क देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाया है ये अपने पौधों को दे दूंगी। तो जब से मैं अपने प्लांट्स लेकर आई हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आज इनको खाद दे रही हूँ। तो खाद देने से पहले सबसे ज़रूरी काम, गुड़ाई ज़रूर कर लीजिएगा। और देखा, अभी मैं किसी में भी फूल नहीं ले रही हूँ, सभी फूल मैं हटा देती हूँ। तो इसी पॉट के नाप से मैं सभी में मैंने खाद दे दिया है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो आज की वीडियो है आपको अच्छी लगेगी। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो में। और हाँ दोस्तों, खाद देने के बाद पानी भी हमें देना है। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।